नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीचेन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। परिवर्तन संकल्प महासभा राज नांदगांव में जिले में आज भाजपा प्रत्याशी का नामांकन दाखिल करने के पहले स्टेट स्कूल मैदान में भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह ने शिरकत की और चुनावी बिगुल फूंकते हुए राजनांदगांव जिला के चारों विधानसभा के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जीत दिलाने का संकल्प और जीत कर मोदी जी के झोली में डालने का लक्ष्य उन्होंने उपस्थित सभा को दिया। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भुवनेश्वर साहू के हत्यारे को इलाके के पीछे भेजने का काम करेंगे और इनके पिता को सजा से भाजपा से प्रत्याशी बनाया है। आज के जनसभा में भीड़ को देखकर विश्वास लेकर जा रहा हूं। आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के कड़धार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाया। यूपीए की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य बनाया था, जिसे छत्तीसगढ़ के पूर्व में रमन सरकार ने विकास की राह दिलाई। वहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार का काम कोयला घोटाला, गौठान घोटाला, शराब घोटाला का भूपेश बघेल के सरकार ने किसान, रोजगार, बेरोजगार, आदिवासी पिछड़ा लोग के साथ धोखा किया, उसका जवाब जनता कमल बटन दबाकर दे, इस तरह की बातें जो है उन्होंने कही। इसके साथ ही उन्होंने वोट मोदी की झोली में डालने की अपील भी की। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है, एटीएम बनाकर रखा है। छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है, दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है और मेरे पिछड़ा वर्ग के युवा भाइयों बहनों का अधिकार भी इनके एटीएम के थ्रू दिल्ली में जाता है। और मैंने करप्शन का ऐसा, जैसे फूड चेन बनते हैं ना, कोई पिज्जा का फूड चेन बनाएगा, कोई पाव भाजी का बनाएगा, इन्होंने करप्शन का पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक का पूरा करप्शन चेन बना दिया है जो दिल्ली तक जाता है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, घोटालों की इतनी बड़ी सूची मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कहीं नहीं देखी। शराब घोटाला, 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, इनके ऑफिस के अफसरान जेल में जाते हैं और उनको शादी में भी चैन नहीं आता है, कहीं वो मुंह न खोल दे इसलिए डर कर घर में शादी कराते हैं। कोयला परिवहन घोटाला 550 करोड़ का किया, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में 5000 करोड़ का घोटाला किया, गोठान घोटाला 1300 करोड़ से ज्यादा रुपयों का घोटाला किया, 600 करोड़ का उन्होंने पीडीएस घोटाला फिर से किया, महादेव ऐप का 5000 करोड़ का घोटाला करने का काम भूपेश बघेल सर।